कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। पिछले 20 सालों से महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बोलेरो के माध्यम से इस सेगमेंट पर राज किया है। आज राजधानी में महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के चीफ सेल्स एंड मार्केटिंग ऑटोमोटिव डिवीज़न वीजे नकरा ने एक बोलेरो का एक नया मॉडल लॉन्च किया है, महा बोलेरो पिकअप राइस। आप ये देख सकते हैं, लखनऊ में आज इसको अनवील किया गया है और ये महा बोलेरो राइस के नाम से ये नया मॉडल उतारा है। इसमें 1.3, 1.5 एवं 1.7 किलो पेलोड क्षमता वाले ये तीन पिकअप महिंद्रा ने आज लॉन्च किए हैं। तो अगर आप महिंद्रा का कोई नया या पिकअप के सेगमेंट में कोई नया वाहन लेने जा रहे हैं तो कृपया हमारी इस रिपोर्ट को ज़रूर देखें। इसमें हम आपको बताएंगे कि महिंद्रा के इस नए महा बोलेरो पिकअप में क्या क्या खासियत हैं, किस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया गया है, कितनी इसकी कीमत है वगैरह वगैरह। जितनी भी जानकारियां हैं वो आज आप हमारी इस पोस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो आइए लेके चलते हैं आपको महा बोलेरो पिकअप के लॉन्च पर। कुछ मैच नहीं हुआ, हालांकि गाड़ी अभी तक रिवील नहीं हुई। स्टिल इट इज नॉट अप टू द मार्क। नाउ आई विल गिव द फाइनल शॉट एंड परहैप्स अभी गाड़ी रिवील होगी। तो ऐसी कौन सी खूबियां है? बिफोर टेकिंग यू थ्रू द प्रोडक्ट का डेफिनेशंस, लेट मी प्ले अ स्मॉल प्रोडक्ट एवी फॉर ऑल ऑफ यू दैट विल एक्चुअली टेल यू व्हाट आर ऑल द यूएसपीज। क्या उसमें क्या खूबियां हैं, एक छोटी सी एवी आपको बताना दिखाना चाहता हूँ। कैन आई हैव द एवी प्लीज? कम से कम 4 लाख रुपए में बाई बैक की गारंटी और दूसरी 2 साल तक फ्री मेंटेनेंस की गारंटी।
पुराना बोलेरो पिकअप तकदीर बदलते। केजी पेलोड के साथ आया हुआ है, सबसे हाईएस्ट पेलोड पिकअप इंडिया में लॉन्च किया गया है। इसमें सबसे लॉन्ग कार्गो बॉक्स भी दिया गया है। सो फॉर एग्जांपल अगर इसका कार्गो बॉक्स की साइज देखेंगे तो 9 फीट का कार्गो बॉक्स का लेंथ है इसमें। डबल बेयरिंग एक्सेल इसमें गाड़ी में दिया गया है, जिसमें हायर लाइफ ऑफ द एक्सेल रहेगा, लोड कैरिंग कैपेसिटी गाड़ी में अच्छी रहेगी, आसानी से कोई 1700 kg लोड लेके जा सकता है गाड़ी में। एंड ओवरऑल गाड़ी में हमने इंटीरियर अपग्रेड किया हुआ है, एक स्ट्रॉन्गर वाइडर को ड्राइवर सीट दी गई है ताकि ड्राइवर को गाड़ी चलाने के टाइम बहुत आसानी से कंफर्ट और ज़्यादा उसमें लंबी सफ़र के लिए थकान ना महसूस हो। सो ये महास्ट्रॉन्ग क्यों कहलाता है, बिकॉज ऑफ एज आई सेड कि ये 13% का ज़्यादा पेलोड गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है, बिकॉज ऑफ एज आई सेड इनिशियली द स्ट्रॉन्गर चैसी, डबल बैरिंग एक्सेल, 9 लिफ्ट स्प्रिंग फ्रंट सस्पेंशन एंड अ लॉन्गर कार्गो बॉक्स डेक लेंथ। 13% का ज़्यादा पेलोड यानी कि आपको ज़्यादा अर्निंग देता है गाड़ी, लगभग 4000 रुपया प्रति माह अर्निंग की कैपेसिटी गाड़ी में ज़्यादा है कंपेयर टू द अर्लियर पिकअप्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। 9 फीट का लार्जर कार्गो बॉक्स इज ऑलमोस्ट 6% लार्जर स्पेस, बट एक्चुअली आप जो प्रैक्टिकली अगर इसमें सोचे तो कोई भी काइंड ऑफ गुड्स का, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रेट्स और एनी मिल्क का कैंस, आपकी एक लाइन ज़्यादा आ सकती है बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा स्पेस। सो इन अ प्रैक्टिकल सेंस दिस 6% ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा देती है, जी लोड लेके जा सकती है। इसका मेंटेनेंस ऑलमोस्ट ना के बराबर है, 1,00,000 किलोमीटर तक इसमें कोई मेंटेनेंस का खर्चा आता नहीं है। इट्स अ सेल्फ लुब्रिकेटेड बेयरिंग काइंड ऑफ अ सील इज एक्चुअली प्रोवाइडेड ऑन द एक्सेल, सो इसमें कोई 1,00,000 तक मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। 9 लिफ्ट स्प्रिंग सस्पेंशन इज द हाईएस्ट इन द कैटेगरी, वेरी स्ट्रॉन्ग स्टील प्लेट्स आर प्रोवाइडेड, दिस इज द कोर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द पिकअप और इसके कारण इसकी लोड कैपेसिटी बढ़ जाती है। वाइडर सीट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट केम, कस्टमर बार बार ये बोल रहा था कि मेरी जर्नी लंबी हो जाती है, मुझे अगर डिलीवरी के बाद अगर कोई आसानी से कोई कंफर्ट चाहिए तो इसके लिए एक वाइडर सीट प्रोवाइड की गई है, जिसके कारण कस्टमर डिलीवरी के बाद थोड़ा सा लेट सकता है सीट के ऊपर, थोड़ा कंफर्ट महसूस कर सकता है। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट केम एंड वी आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग दैट इन द व्हीकल। पूरा इंटीरियर इसमें चेंज किया गया है, नए आईपी जो डैश पैनल उसमें चेंज किया गया है, सीट का ट्रिम लेवल चेंज किया गया है, फैब्रिक चेंज किया है, ओवरऑल स्टाइलिंग एलिमेंट्स ज़्यादा ऐड किए गए हैं ताकि कस्टमर को ज़्यादा सुविधा हो। यूटिलिटी फीचर्स ऐड किए गए जैसे कि वाटर बॉटल होल्डर्स, अदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, सो दैट इंटीरियर में भी उसको ज़्यादा सुविधा हो अलॉन्ग विद द वाइडर सीट्स विच आर एक्चुअली एडजस्टेड ऑलरेडी। सेफ्टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये कैटेगरी में, फॉर बिकॉज द कस्टमर नॉर्मली ये जर्नी 150 से 200 किलोमीटर प्रति दिन चलाता है गाड़ी और वेरियस टेरेन्स में चलाता है, सिटी में, हाईवे में, टफ टेरेन में, सो सेफ्टी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। महिंद्रा इसमें खास ख्याल रखती है गाड़ी के सेफ्टी के बारे में, जिसके कारण इसमें लोड सेंसिंग प्रोपोर्शनेट वाल ब्रेकिंग मैकेनिज्म दिया गया है जो गाड़ी को बहुत ही स्टेबल रखता है। व्हेन यू अप्लाई द ब्रेक एट अ वेरी फास्ट स्पीड एट लोड, गाड़ी स्टेबल रहती है रोड के ऊपर, गाड़ी स्कीड नहीं होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर फ्रॉम द ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू। गाड़ी में इंजन इमोबिलाइजर दिया गया है ताकि गाड़ी चोरी ना हो, आपकी चाबी से ही गाड़ी स्टार्ट हो सकती है, दूसरे से चाबी से गाड़ी चालू करने की कोशिश करते तो गाड़ी बंद हो जाएगी, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर ये गाड़ी में इंजन इमोबिलाइजर का भी दिया गया है, 2 साल की वारंटी है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो हमारा महिंद्रा के कस्टमर्स के बारे में ख्याल के बारे में हमने, जो भी व्हील के पीछे गाड़ी चलाने के टाइम है उसके लिए एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस का 10,00,000 का बेनिफिट और यू कैन से इंश्योरेंस कवर हमने दिया गया है गाड़ी खरीदने। बेस्ट इन क्लास टॉर्क है, माइलेज गाड़ी में सबसे बेहतरीन है इन दिस कैटेगरी, 14 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज 1700 kg पेलोड में बहुत अच्छा माना जाता है, जिसके कारण आपका अर्निंग बहुत अच्छा होता है। एंड अनदर बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर गाड़ी में, उसके टायर अपग्रेड किए गए हैं, उसमें 12 PR का स्ट्रॉन्ग टायर दिया गया है क्योंकि वो टायर आपको लोड कैरिंग कैपेसिटी में मैच होना चाहिए,
इसके लिए उसे 15 इंच का 12 PR का टायर है जो कैपेसिटी गाड़ी की लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाता है। तो हमने तीन वेरिएंट इसमें लॉन्च किए हैं अपार्ट फ्रॉम 1.7 टनर, हमने 1.5 टनर और 1.3 टनर दो गाड़ियां और लॉन्च की है, तो एक पूरी रेंज बन जाती है टू मैच द डिफरेंट एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो मैं आपको क्विकली बताता हूँ कि इसमें 1.5 टनर में लगभग ऑल द सुविधा जो 1.7 टन की सेम वही दी गई है, खाली इसका पेलोड डिक्लेरेशन 1.5 टन है उसका। जैसे आपने बताया इसमें मेन डिफरेंस वर्सेस 1.7 टनर के बारे में, इसमें लंबी नोज आती है गाड़ी में और 1.7 टन में छोटी नोज आती है, उसका मैं कारण बताता हूँ आगे जाके कि उसका कोई एप्लीकेशन अलग है। स्टेबिलाइजर बार का फ्रंट सस्पेंशन दिया गया है जिसमें गाड़ी की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। 1.3 टनर में हमने डबल, उसमें भी स्ट्रॉन्ग डबल बेयरिंग एक्सेल आता है, इसमें टायर का जो कैपेसिटी है थोड़ा छोटा है क्योंकि इसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी 1.3 टन की है, तो इसमें 10 PR का टायर दिया गया है जैसे कि 1.7 टन में 12 PR का टायर दिया गया है। करना है और आपको कोई भी लंबे सामान डिस्टेंस से सामान लेके जाना है तो ये गाड़ी आसानी से आप ले सकते हैं। महिंद्रा आपको ये एश्योरेंस देता है कि आपकी गाड़ी की 4 साल की कीमत हम 4 लाख रुपया आपको रिटर्न में दे देंगे। ये बहुत ही बड़ा प्रॉमिस कस्टमर के लिए है कि उसका इन्वेस्टमेंट 4 साल तक ऑलमोस्ट प्रोटेक्टेड है, वो 4 साल तक गाड़ी यूज़ करे, महिंद्रा का डीलरशिप में मेंटेन करे, वो गाड़ी 4 साल के बाद महिंद्रा के पास लेके आए, महिंद्रा उसको 4 लाख रुपया रिटर्न देने का वादा करता है। यही है इंडिया के नंबर वन पिकअप का वादा है। बहुत ही बड़ी चीज़ कमर्शियल सेगमेंट में आज तक किसी ने की, हम लोग इसे पायोनियर कहलाते हैं और ओनली एक लीडर ये वादा कस्टमर को दे सकता है। देखिए अगर आपने कोई एक पिकअप खरीदी आज की तारीख में, आपने खरीदी 2 साल तक उसमें आपको कोई खर्चा नहीं है, आपको खाली गाड़ी का फाइनेंस जो अमाउंट है उसका EMI भरना है, बाकी पूरा मेंटेनेंस की खर्चे की जिम्मेदारी महिंद्रा के ऊपर है, तो 2 साल तक आपको कोई 0 खर्चा है। 4 साल के बाद ये गाड़ी यूज़ करने के बाद आप महिंद्रा के पास लेके आइए, आपको 4 लाख रुपये रिटर्न मिल जाएगा। तो आप समझिए कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना प्रोटेक्टेड है। 4 साल तक आपको खाली गाड़ी के साथ अर्निंग का कैलकुलेशन करना है, ना मेंटेनेंस का आपको झंझट है, ना आपको रीसेल वैल्यू की कोई चिंता है। ये दोनों फैक्टर्स महिंद्रा ने अपने ऊपर ले लिए हैं। यही एक लीडर का वादा कहलाता है, ये खाली एक लीडर ही दे सकता है। मेंटेनेंस का वादा कर दे कस्टमर को, नहीं तो जो भी लेबर आपका जो रहेगा कॉस्ट, अगर 2 घंटे में आपका गाड़ी सर्विस नहीं दे पाए तो लेबर का कॉस्ट आपको रिटर्न में दिया जाएगा। तो वो एक और एक छोटा सा महिंद्रा की तरफ से एक प्रॉमिस है कस्टमर के पास कि जो भी आपकी नॉर्मल सर्विस है हम 2 घंटे में करेंगे। इसमें एक्सीडेंटल ये तो डेफिनेटली कवर नहीं होता, वो अलग तरीके मेंटेनेंस रहती है, बट जो नॉर्मल आपको नॉर्मल सर्विसिंग 2 घंटे में आपको करके देंगे। 6.93 लाख BS4 वर्जन 1700 kg पेलोड की गाड़ी की लखनऊ में हमने रखी है, वो बहुत ही वाजबी है, अर्लियर गाड़ी के हिसाब से वो मार्जिनली अप है। 1300 kg का जो वजन है उसकी गाड़ी की कीमत 6,84,000 हमने रखी है BS4 के लिए, और 1.5 टन की 6,87,000। ये तीनों गाड़ियाँ मार्केट में अवेलेबल है एंड हम लोग को बहुत बड़ी खुशी है कि ऑलमोस्ट ये गाड़ी का बहुत ही हेवी बुकिंग ऑलरेडी चल रहा है मार्केट में। है कि 1,700 किलो का वजन कितना होता है, मैं बताता हूँ, इस चट्टान जितना। ये है इंडिया के नंबर वन पिकअप की नई पेशकश, महा स्ट्रॉन्ग महा बोलेरो पिकअप, जो उठा सकता है 1,700 किलो का लोड। इतना वजन सिर्फ एक लीटर ही उठा सकता है।